dog. Oh no 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 no. Who said? No 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 no. तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम चैन वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले रशिया के गांव, कुछ विलेज, कुछ थोड़ा सा यू नो शहर से दूर। तो इस वक्त बेसिकली मैं हूँ देविया कोत, वो रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन जो कि रेड लाइन का आखिरी स्टॉप है, नॉर्थ में है। मैं यहाँ पे गूगल स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ गूगल मैप का, तो आप समझ जाओगे कि ऑलरेडी मैं नॉर्थ में आ गया हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में। और यहाँ से भी नॉर्थ में और 20 मिनट की नई ट्रेन जर्नी होगी और उसमें हम पहुँचने वाले काव गोलोवो रेलवे स्टेशन, जहाँ से यू नो विलेज लाइफ शुरू हो जाती है बेसिकली। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन यही है, ये सटा हुआ ही है यहाँ से। तो यहाँ से मैं आया और फिर वहाँ से टिकट ली मैंने 40 रुपये की टिकट ली। और बस अभी ये ट्रेन जर्नी भी नया एक्सपीरियंस होने वाला है, तो देखते हैं ये ट्रेन जर्नी कैसे होगी। सिटिंग टाइप की ये लोकल ट्रेन है, तो जाहिर सी बात है ये भी न्यू एक्सपीरियंस होगा। सो लेट्स गो एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल राइड एंड दिस ब्यूटीफुल जर्नी एंड दिस ब्यूटीफुल वीडियो। एकदम मुंबई लोकल ट्रेन की याद आ गई, भाग के ऐसा विंडो सीट पकड़ते थे हम। अभी जस्ट टिकट चेक करना है, सबकी टिकट चेक की, मेरी टिकट चेक ही नहीं की, मेरे को पूछा भी नहीं। शक्ल से भी लग ही जाता है कि बंदा शरीफ है। बाय बाय। तो आप स्टेशन देखोगे तो एकदम साधारण है, कोई स्टॉल नहीं, कोई टिकट काउंटर भी नहीं है, एकदम सब बाहर ही जो भी है। लेकिन पब्लिक साधारण नहीं है, बता देता हूँ, आप देख सकते हो। जगह इतनी साधारण है लेकिन पब्लिक साधारण नहीं है भाई। सो ऐसे ही इन पेड़ों के बीच घूम रहा था और गूगल मैप्स के सहारे गलियां देख रहा था कि जहाँ पे यू नो अच्छे घर दिख सके, थोड़े बहुत फार्म दिख सके, थोड़े बहुत नज़ारे दिख सके। तो एक तरफ मैं आ गया जहाँ पे दो चार घर थे और ये घर था, तो यहाँ से एक खिड़की में एक मोहतरमा आई और उन्होंने मुझे देखा कि हाँ कुछ शूट कर रहे हैं यूट्यूब के हिसाब से या फिर पता नहीं, तो बाहर आए और मैंने उनसे बात की, वार्तालाप की और ट्रांसलेटर की मदद से, बिकॉज इंग्लिश तो शहर में लोगों को नहीं आती तो यहाँ क्या ही आएगी। तो ट्रांसलेटर की मदद से मैंने इनको समझाया कि मैं इंडिया से हूँ, ट्रैवल यूट्यूबर हूँ और थोड़ा एक्सप्लोर करने आया हूँ विलेज लाइफ रशिया की। तो इन्होंने फिर कहा कि आप आइए हमारे घर, हम आपको मतलब सब चीज़ें बताते कोशिश करेंगे और घर भी देख लो हमारा और वो भी आप बता सकते हो अपने व्यूअर्स को। सो आप है मोहतरमा ओलिया और ये विलेज में आप देख लो कि मतलब बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। Dog. Oh no 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 no.
No, 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 no. Боится, страшный. Сейчас я их отведу. Okay. Док. मेरे को तो डर लगता है पापा. अच्छा बंद कर दिया. सो ओके किचन 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 ओके वेरी गुड एंड दैट रूम रूम फॉर डॉग डॉग ओके एंड दिस अप छत ओके कैन आई ओके थैंक यू स्पर्शिबा बहुत ही प्यारा सा घर है और सुकून से रहते हैं. इनकी मॉम और इनकी आंट ये सेंट पीटर्सबर्ग में जॉब करती है तो वो काम पे जाती है और ये फ़िलहाल घर पे है. और इन्होंने कहा कि इनकी भी स्टडीज़ वगैरह जो भी है वो भी ट्रेन से ही स्कूल जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग. तो इनको शहर में डेली जाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ कारणों से. तो अभी मैंने वही देखा लेकिन ये सुकून से रहते हैं. जब घर लौटने का वक्त होता है या फिर घर पे जो मैक्सिमम टाइम ये बिताते हैं तो वो सुकून भरा रहता है. और ठंड के टाइम ये पूरा स्नो से ढका रहता है और लकड़े के घर वगैरह काट के ये इन्हीं के है. ये फिलहाल बंद है इन्होंने कहा तो इसलिए मैं अंदर से आपको भी नहीं बता पाया और मैं भी देख नहीं पाया. चलो ये सुविधा तो है, ये सब चीज़ें आपको मिल ही जाती है और ये भी मिल जाता है. हार्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कुछ भी लो जो भी जैसा पीता है और सामने लेके उस तरफ लेके जाओ, बैठो और चिल करो अपने दोस्त के साथ या फिर अकेले भी सही टाइम स्पेंड होगा. चलो कुछ नहीं, लेस चीटोस वगैरह तो मिलता है यहाँ पे, बारबेक्यू वगैरह है लेकिन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं है. नो प्रॉब्लम अगर थोड़े घंटे के लिए आते हो कुछ, बिकॉज यहाँ पे होटल वगैरह कुछ नहीं है. अगर स्टे भी लेना है तो इसके पहले ही एक गाँव आता है टॉक्सोवो, वहाँ पे होटल है, वहाँ पे आप स्टे ले सकते हो और वो भी गाँव ही है तो वहाँ पे आप ले सकते हो. लेकिन लेक वगैरह यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है. यहाँ पे ये बहुत कॉमन है, मैंने बीच में भी देखा था जब मैं बीच गया था सेंट पीटर्सबर्ग के, वहाँ भी देखा था कोई भी आ सकते हैं और ऐसे टेंट अपना ला सकते बैग वगैरह में और लगा सकते. सही है यार. ये जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं? सेलिंग? वाव. और ये उम्र में एडवेंचरस होना बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है. How old are you? How old? हाँ 67. Yeah. Okay. What do you do? I just came as a tourist. Tourist? Yeah. Saint Petersburg, Moscow. Sir, what's your name? My name is Alexander. Alexander. Wow. Very, very universal name. Yeah, yes. You do sailing daily? I sailing, don't understand. Daily, every day? When the wind. When the wind, okay. Yeah. Today is the wind, okay, understood. Privyet. What's your name? My name is Olga. Olga ji. Namaste. In India we say namaste. Yes, I understand. Okay. So it's good to see the person who knows English, especially like you. So I'm very glad. Yes, I am very glad to see you too. Thank you. Because for our Russian people to speak in English with somebody is very, very interesting. Okay. So this is a summer place for? Summer place for people who want to be near the town. Near the town, okay, yes, St. Petersburg. Near the town, near St. Petersburg, and who want to
have own ground. Own because, land with, yes, okay, okay. Own ground, because you know that many people want to grow some plants. Okay. Don't worry, don't okay, worry. Okay. This is our dog. Okay. And but I'm it not. Won't, it it it. Yeah, I understand. I'm not familiar. Small, small. Okay. Good time. That. Yes. With one, nature. One, nature. Yeah, with nature. Okay. Because, to hear the sing of birds, because sing of birds. Yeah. Yes, there are a lot of birds. Yeah. In this territory, and in every morning, you can hear some birds. Okay, pleasant. Yes, yes, okay. It's very good. And we have some animals. Okay, animals. Wild animals. Wild animals, yes. Yes. Oh my well, God. We can see here fox. Fox? Yes. Oh, ho, ho, ho. Uh-huh. Some people have a home. Home? Is this your home? This is my home. We can go here. Yeah, definitely. It would be my pleasure to see your home. Yes. This is our home. Okay. Very nice. Mm-hmm. So in winter you visit St. Petersburg. Don't worry. Okay. Idi na mister. Mere ko kyu chipka hai ye dog? Idi na mister. Idi. So in winter time you visit St. Petersburg. You live St. Petersburg. In summer you live here. Yes, but okay. But we can live here in winter too because they have heating here. Huh. And so we can live here. Mm-hmm. We have heating and so something is your farm? It's from your farm? Yes, this is from my what is this? This is wheat. Wheat? Wheat, yes. Okay. You can see a lot of wheat there. Okay. And sometimes I try to wow, do this, well. This flowers are beautiful. Yes. What it is called? In Russian they call it medvezhye ukho, bear head. Bear head. Okay, white. Mm-hmm. Wow. This is our cat. Okay. Beautiful. Yes. These flowers are really amazing. I have never seen such flowers. You can, yes, try it. Oh my God, it's so, it's really like fluffy. Mm-hmm. It's like hair. Too cute, tayar, better. Beautiful. Shoes? Should I? No. Let's go. That this is our room. Living room. Hall. Living okay. room only. Okay. And this is our kitchen. Okay. Beautiful. Mm-hmm. So this is apple tree. That. Okay. Red currant. Black currant, red what? Currant. Yeah. Okay. Something can I see? This is a red currant. Okay, this is red currant. This is okay. This is black currant. And that's black currant. And this is black currant too. Okay, beautiful. This is cucumber. Cucumber? What is yes, this? Yes, cucumber. Cucumber, cucumber. Kakdi. Mm-hmm. In India we say kakdi. Okay. Very nice. This is black currant, right? Yes, again? Yes, yes. Okay. This is, I don't know how it's called in English, but... Amla. This is amla? This is amla, right? Yes, yes. Wow. This is shimmelis. You can try. Okay. And here? I can try now. Black grapes. थोड़ी सी अलग है लेकिन टेस्ट वैसा ही है ब्लैक ग्रेप्स. Yes, this is oregano. Oregano. Mm-hmm. Okay.
Oregano. Mm-hmm. Wow, lovely. It's like open air. Yeah, this place is beautiful. Mm-hmm. You can have a small party get together with your family members and yeah. With plant, but I use it as a decorator. Decoration. Okay. This bathroom. This is for hot water. Yes, this is for hot water. This is for spa. Yes, this is for spa. Okay, my guess was right. Hot stone. It's in Bhutan. Have you visited Bhutan? So yeah, in Paro there is a hot stone bath. I know. Okay, that's very amazing to see. I'm really thankful for inviting me to your house and showing me this beautiful house, this beautiful bathroom, and of course your farm. Such a great farm. Yes. Yeah, it's beautiful. My little garden. Yeah, your little garden. It's really amazing. Your heart is big. Bye. Take care. And please visit India soon. Thank you. बहुत मजा आया. मतलब इतना प्यारा घर था और घर के अलावा यू नो जब फार्म काफी चीजें देखने भी मिली मुझे. मुझे लगा था नहीं देखने मिलेगा ये सब, लेकिन देखने मिल गया लकीली. और जो मोहतरमा भी थी, जो लेडी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताई डिटेल में, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. मेहमान नवाजी काफ़ी प्यारी लगी और दिल खुश हो गया. आके एकदम पूरा वसूल हो गया कि आया और इतना अच्छा ले के वगैरह. टूरिस्ट स्पॉट भी है और ऊपर से ऐसा मेहमान नवाजी भी मिल गई और काफ़ी कुछ देखने भी मिल गया, तो मज़ा तो आना ही है. अभी आई एम गोइंग बैक टू रेलवे स्टेशन टू कैच ट्रेन. 15 मिनट में ट्रेन है वापस सेंट पीटर्सबर्ग के लिए. तो बस वापस शहर में जा रहा हूँ इस नेचर से थोड़ा सा दूर. खैर सेंट पीटर्सबर्ग इज़ ऑल्सो गुड इन टर्म्स ऑफ नेचर. वहाँ पे भी ग्रीनरी वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी शहर शहर होता है और छोटा सा गांव छोटा सा आउटस्कर्ट गांव होता है, राइट?